चतुर्वेदी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन। हम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम पीढ़े धारा मशीन व्यापारी हैं जो पिछले 2 साल से परेशान हैं। 2 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी, उसके बाद बड़े पैमाने में वहाँ पर ऐसी आरा मशीनों को उखाड़ने का काम किया गया जिनके पास लाइसेंस नहीं था। मगर सरकार ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके पास लाइसेंस क्यों नहीं है। लाइसेंस न देने का कारण विभाग था, विभाग की जांच नहीं कराई गई और सारा दोष व्यापारियों पे मढ़ दिया गया और उनको चलता व्यापार बंद करके बेरोजगार बना दिया गया। हम लोग पिछले 2 साल से तकरीबन 50 बार धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दे चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ वन मंत्री को घेरने का काम किया, हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन बाई डाक भेजा, हम लोगों ने वहाँ पे तमाम मंत्रियों को, राजनाथ सिंह जी तक को हम लोगों ने गृह मंत्री जी को दिया, मगर हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। मगर अंततः हम लोगों की जीत एक बार हुई जब सरकार ने एक नीति बनाई पुराने व्यापारियों को, पुराने आरा मशीन व्यापारियों के लिए ई ड्रा के माध्यम से लाइसेंस देने का। हम लोग बहुत खुश थे और हम लोग ने भी आवेदन किया, मगर आवेदन के बाद जब ड्रा हुआ तो अधिकारियों ने उसमें भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिया जिनने कभी भी ये व्यापार किया ही नहीं था। नए नए लोगों को एक एक घर में दो दो तीन तीन लाइसेंस देने का काम किया या अपने रिश्तेदार नातेदार को देने का काम किया। और ये जितना पीड़ित व्यापारी पूरा उत्तर प्रदेश का है, तकरीबन 600-700, उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया और आज वो बेरोजगार, 2 साल पहले जैसे सरकार ने बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, वैसे ही आज भी बेरोजगार है। आज हम लोग लखनऊ की सड़क से चलते हुए वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली पर आ चुके हैं। आज अगर हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी अब भी न्याय नहीं दिलवाते हैं तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग आने वाले मार्च में लखनऊ में बैठ करके इस पर आमरण अनशन करेंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहां से उठने का काम नहीं करेंगे। तो लखनऊ में भी आपने इससे पहले हम लोग 50 धरने दे चुके हैं, 50 बार हम लोगों ने ये सारे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं। ये लोग जैसे दिल्ली में आए हैं वैसे ही लखनऊ में आते हैं और अमरोहा, मेरठ, फैजाबाद तमाम जिलों से आ करके ये लोग लखनऊ में भी धरना देते रहे। वहाँ पे इनको न्याय नहीं मिल पा रहा था तो मजबूर हो के हम लोग अपना प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं कि हम लोग के मन का दर्द, हम लोग का ये मन का दर्द है। 5 साल से हम आपके मन की बात सुन रहे हैं। आज ये पीड़ित व्यापारी अपने परिवार का, अपने बच्चों के, अपने माता पिता का मन का दर्द आपके पास लेके आया है कि अब प्रधानमंत्री जी 2 साल हो चुके हैं, आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अन्याय हमारे साथ कर रही है, हम आत्महत्या कर लें या हमारे मन के दर्द को दूर किया जाएगा, हमें लाइसेंस दे के हमारे व्यापार को हमें वापस किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो दरबार लगाते हैं, आपकी कभी मुलाकात? हम लोगों से मुख्यमंत्री से कई बार समय मांगा गया मगर मुख्यमंत्री ने हम लोगों से मिलने का समय नहीं दिया। हम लोग वन मंत्री को घेरा, हम लोगों ने पैदल मार्च निकाल के वन मंत्री के पास 5 जनवरी को गए। वन मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया, गलती मानी कि ये जो पुश्तैनी व्यापारी है, पीड़ित व्यापारी है, इसके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि एक हफ्ते में हम आप लोगों के लिए नीति बनाएंगे, मगर आज आप देखिए फरवरी खत्म होने पे आ गई और हम लोगों के लिए कोई नीति बनाने का काम नहीं हुआ। हम लोग जहाँ पे 2 साल पहले थे आज भी वहीं। सर, जैसे ये चुनाव आने वाले हैं, आपकी ये मांगे पूरी हो पाएंगी? अगर चुनाव आ रहा है मांगे पूरी होती हैं, हमें लगता है कि होनी चाहिए, चुनाव का टाइम है। अगर नहीं होती है तो हमने लखनऊ में भी कहा था और हम लोग राजधानी में भी कह के जा रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। पूरे सिस्टम के अंदर अधिकारी वर्ग इतना असंवेदनशील बना रहा, सरकार मूल दर्शक बनी रही और हम लोगों के पेटों पर लात मारती रही। हम लोग पिछले 1-1.5 साल से लखनऊ के अंदर हम 50 से ऊपर धरने कर चुके हैं, पर अब हमें लग रहा है कि प्रदेश सरकार बिल्कुल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ दिल्ली में आए हैं और अब अगली लड़ाई हमारी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। यूपी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे पर अब दिल्ली में बैठ के हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे भाई मोनीश त्रिवेदी जी उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप ये देखिए कि हम लोग सब अपना काम छोड़ के आज सड़क पर पड़े हुए हैं। वो पड़ोस के धरने में चल रहा है, वहाँ बेरोजगार वाला रोजगार मांग रहा है और जो रोजगार देने वाला वर्ग है वो आज सड़क पर बैठा हुआ है। क्या सरकार यही चाहती है हमसे? क्या सरकार को चाहती है कि जो पहले से बेरोजगार हैं उनकी संख्या और बढ़ा दें हम लोग आके? क्या हम लोग सड़क पे चोरी चपाटी करने लगे बैठ के, लूट मार डाका डालने लगे? इज्जत से हम काम कर रहे थे अपना, तीन चार पुश्तैनी से हम काम कर रहे थे और सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि कोई केयर ही नहीं हम लोगों की, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोर्ट के आदेश मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार इतना बड़ा घोरक धंधा है, लोग कहते हैं कि सरकार ईमानदार है। अरे सरकार ईमानदार है, अधिकारी कितना भ्रष्ट हो चला है सरकार ये भी तो देखे। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री को हमने ज्ञापन देने जा रहे हैं हम लोग
और हम इस लड़ाई को, इस मुद्दे को जब तक खत्म नहीं होगा हम ये लड़ते रहेंगे। इसके बाद हम आमरण अनशन करने वाले हैं लखनऊ में बैठ के, और इस मुद्दे को हमें इलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने वाले हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपकी इन बातों को अगर सरकार नहीं मानती, जो योगी सरकार है इसको नहीं मानते, केंद्र में बीजेपी सरकार है ये भी नहीं मानती, तो आप इसके लिए क्या रणनीति करेंगे? देखिए, सरकार वोटर तो मानती है ना, सरकार को वोट तो चाहिए ही ना। आज ये यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ 5000 आदमी हम बैठे हुए हैं, 5000 आदमी 5000 वोट से सरकार नहीं घबराती, पर 5000 आदमी 5 लाख 50 लाख वोट तो प्रभावित कर सकते हैं ना। ये तो हमारा राइट हम तो कोई नहीं छीन सकता। सरकार अगर बहरी गूंगी हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं जाके दुरुस्त करेंगे, वोटों के माध्यम से करेंगे, सड़कों के माध्यम से करेंगे, आंदोलन के माध्यम से करेंगे, और सरकार नहीं सुनती तो क्या है? देश का जो युवा है बेरोजगार जो घूम रहा है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो बढ़ रही है ना, हम भी बेरोजगार होने वाले हैं, हो ही गए हम भी बेरोजगार। हम लोग क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे, चोरी डकैती डालेंगे। सरकार को सुनना तो पड़ेगा, ऐसा सरकार भी तो हमारी बनाई हुई है ना। हम सरकार बना सकते तो गिरा भी सकते हैं। व्यापारी कमजोर नहीं है, 44 करोड़ का पूरे हिंदुस्तान में व्यापारियों ने रोजगार दिया हुआ है। सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती, हमें बिल्कुल नहीं कर सकती, करने भी नहीं देंगे हम। लेकिन दिल्ली में तो देखा गया कि जो छोटे मझोले उद्योगपति थे, जो रोजगार उनका जो चौपट धंधा कर दिया गया सरकार के द्वारा, उनके जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे वो पूरे बंद कर दिए, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। इधर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की समस्या चल रही है कि उनके भी रोजगार छीने जा रहे हैं, उनका जो पुराने ज़माने से चला आ रहा उनका रोजगार उसे भी छीन लिया गया है। तो सरकार इस पर क्या रणनीति साबित करना चाह रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सरकार अभी वोट खरीदने की रणनीति बनाई हुई है सरकार। आप देखिए, सरकार के पिछले 3 महीने के जितने एक्शन हैं उसमें व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न और गैर व्यापारी वर्ग का उत्थान है। हम ये नहीं कहते आप समाज के लोगों का उत्थान नहीं करो, आप किसान भाइयों की भी रक्षा करो, आप हमारे मजदूर भाई की रक्षा भी करो, पर हमारी कीमत पर मत। पता चला कि उन्हें तो बांट रहे और हम लाइन में पीछे जाके खड़े हो गए। हम भी कल को सरकार के अनुदान पर जिंदा रहेंगे, अगर व्यापार नहीं होगा तो कैसे होगा? हम भी तो सरकारी हूँ, 6000 रुपये किसान को मिल रहे हैं, शायद कल को उस कतार में हम भी खड़े नजर आए। ये सरकार व्यापारियों के लिए असंवेदनशील है। GST आई, नोटबंदी आई, एक चीज़ है किसानों से ज़्यादा तो बाबा लोगों को भी मिल रहा है। देखिए, बाबा लोग तो सरकारी बाबा लोगों की है, उन्हें मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, वो तो बाबाओं की सरकार है। देश व्यापारियों से चलता है, ना बाबाओं से चलता है, ना किसी और अन्य पॉलिटिकल लोगों से चलता है, देश चलता है व्यापारियों से। व्यापारी टैक्स लाता है, सरकार को टैक्स देता है। आज सरकार के पसीने छूटे हुए हैं, GST के अंदर 1,15,000 करोड़ के टारगेट में सिर्फ 97,000 का GST कलेक्शन सरकार का एवरेज आ रहा है, पसीने छूटे हुए हैं सरकार के। सरकार को अभी तो इलेक्शन का माहौल है, सब बहुत बढ़िया बढ़िया चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। जैसे इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, सरकार एक कर्ज में डूबी हुई, एक दिवालिया सरकार आपकी आने वाली है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, देश दिवालिया होने के कगार पे है। क्यों? क्योंकि व्यापारियों की सिस्टम में पूछ नहीं है, व्यापारियों को हाशिए पर डाल दिया गया है, और आर्थिक अर्थव्यवस्था देश की बहुत ज़्यादा खराब है। सिर्फ सरकार ने एक रोजी पिक्चर बनाई हुई है, पेंट किया हुआ है, कुछ नहीं है। तो बेरोजगार का आज ये कितना दुर्भाग्य का विषय है कि जो 3-4 जनरेशन से व्यापार करते चले आ रहे थे, आज वो दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं। ये सरकारों के लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए तो दुख की बात है, हमारे मन का दर्द है, मगर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए भी शर्म की बात है कि आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी दिल्ली में आकर के प्रदर्शन कर रहा है। वो जो व्यापारी था, व्यापारी ही अधिकारियों की सैलरी देता है, व्यापारी के ही टैक्स से सारे लोगों का सैलरी मिलती है। आज अगर आप धीरे धीरे छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दोगे और केवल बड़े व्यापारियों को ही आप बड़ा करते रहोगे, तो आने वाले टाइम में जैसा भाई साहब ने कहा कि क्राइम बढ़ेगा और बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी वजह ही यही है कि रोजगार है नहीं और जो रोजगार कर रहे थे उनको बेरोजगार करते हैं। लेकिन इसमें तो जो बड़े उद्योगपति थे वो तो देश का रुपये लेके भाग गए, अब जो छोटे उद्योगपति हैं उनको बर्बाद करते जा रहे, तो देश की जो GDP है और जो रोजगार मिलना चाहिए वो कहाँ से आएगा? मैं आपको बताऊं भाई साहब, जो मैंने गूगल के थ्रू भी जानकारी की कि पिछले 2 साल में, आप लोग भी जानकारी कर सकते हैं कि 2 साल में देश में 10 करोड़ से हैसियत ज़्यादा रखने वाले कम से कम 25,000 व्यापारी देश छोड़ के दूसरे मुल्क में जा चुके हैं, या अमेरिका चले गए या किसी और कंट्री चले गए, वो अपना देश भारत छोड़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे व्यापारियों को सुविधाएं नहीं है, व्यापारी परेशान है, इसलिए उन्हों को मजबूर होना पड़ा। मेरे सामने भी 5-6 लोग
यहाँ से अपना सब समेट के बेच के विदेश चले गए। अगर वो विदेश जा रहे हैं तो वो लोग 10-10 करोड़ की हैसियत रखने वाले न जाने कितने लोगों को रोजगार दे सकते थे। अगर वो देश में रहते तो उनके अंडर में हजारों लोगों को रोजगार मिलता। उनके देश छोड़ के जाने से आज हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं एक व्यक्ति की वजह से। और 25,000 के आप आकलन करिए तो कितने बेरोजगार हो गए। अगर ये बेरोजगारी ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ती रही, चाहे देश में चाहे उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा माहौल कितना खराब हो जाएगा। ये जो व्यापारी है इसको तो पेट भरना ही है, अगर इसको रोजगार नहीं दोगे तो ये क्राइम करेगा। मेरा आपसे सवाल है कि 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आप किस पार्टी को किसे वोट देंगे जो आपकी बातों को समझे? हम लोग उसको वोट देंगे जो व्यापारी के दर्द को समझे। वो सरकार को देंगे जो अपने मन की बात ना करे, वो हमारे मन की बात करे, हमारे मन के दर्द को समझे। हम उसको वोट देने का काम करेंगे, चाहे वो यही सरकार हो चाहे कोई और पार्टी हो। अगर वो हमारे मन का दर्द समझेगा तो हम उसको वोट देंगे और खुल के देंगे, खुले आम देंगे, कोई स्पेशल कोई।